क्या है यहाँ मनुष्य, क्या है मनुष्य यानी मैन, मनुष्य यानी मैन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए आप लोग पेज नंबर टेस्ट टेस्ट रूम निकाल कर पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पर देखिए, देखिए यहाँ क्या है। हा प्लस मा, क्या है मा ब्रह्मा, क्या है ब्रह्मा। हा प्लस मा मा ब्रह्मा। हा प्लस रा हरा, हा प्लस रा हरा हृदय, क्या है हृदय, क्या है हृदय। हा प्लस रा, हा प्लस रू रू, हा प्लस रू रू हृदय, क्या है हृदय। हा प्लस रू रू हृदय। हा प्लस वा वा जिह्वा, क्या हो गया जिह्वा, क्या हो गया जिह्वा। हा प्लस रा रा हृदय, हा प्लस रा रा हृदय, क्या है हृदय। हा प्लस रा रो, हा प्लस रा रो हृदय। हा प्लस वा वा जिह्वा। देखिए पेज नंबर 38, पेज नंबर 38 पर टेक्स्ट बुक निकाल कर देखिए। ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया, ब्रह्मा यानी गॉड क्रिएटर, ब्रह्मा यानी गॉड को और क्रिएटर को कहते हैं। ब्रह्मा ने इस दुनिया को, दुनिया यानी वॉल, दुनिया यानी वॉल को बनाया है। इस दुनिया में कई प्रकार के, इस दुनिया में क्या है कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जानवर मनुष्य आदि है। इस दुनिया में क्या क्या है, कीड़े मकोड़े जानवर मनुष्य आदि है। कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स, जानवर एनिमल्स, मनुष्य यानी, मनुष्य यानी मैन यानी लिविंग थिंग्स, ये सब क्या है आदि है। इनमें मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, इनमें से मनुष्य, मनुष्य यानी मैन एक बुद्धिमान इंटेलिजेंट प्राणी है। इनके दो हाथ, मनुष्य के क्या होते हैं दो हाथ यानी दो हाथ यानी टू हैंड्स, दो पैर टू लेग्स, दो कान यानी टू ईयर्स, आंखें यानी टू पेट यानी स्टमक, हृदय यानी हार्ट, बाल बाल यानी हेयर्स, मुंह यानी माउथ, जीवा यानी टंग आदि है। देखिए मनुष्य को क्या क्या है, दो हाथ दो पैर दो आंख पेट हृदय बाल मुंह जीवा आदि है। देखिए क्या क्या है, टू हैंड्स है, टू लेग्स है, टू ईयर्स है, टू आईज है, वन स्टमक है, और क्या है हृदय यानी हार्ट, बाल यानी हेयर, मुंह यानी माउथ, और जीवा जीवा यानी टंग को कहते हैं। वह दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी, दुख आने पर दुख हो जाता है, दुख यानी सैडनेस, और सुख आने पर हैप्पी, हैप्पीनेस यानी सुख। जीवा जगत का प्रभाव उस पर पड़ता है, ब्रह्मा का जगत का प्रभाव उस पर पड़ता है। वह मास्तिक से सोचता है यानी मास्तिक से सोचता है, मास्तिक यानी माइंड, हृदय से अनुभव करता है, पैरों से चलता है, हृदय हृदय से अनुभव करता है और पैरों से चलता है, पैर यानी लेग्स से चलता है, हाथों से काम करता है, मनुष्य क्या करता है हाथों से काम करता है, नाक से सूंघता है, नाक से, नाक यानी नोज से स्मेल, सूंघना यानी स्मेल करना, आंखों से देखता है, ऐसे क्या करते हैं अपन देखते हैं, कानों से सुनता है, ईयर से अपन सुनते हैं, सुनना यानी हियरिंग, जीवा से पदार्थों का रस ग्रहण करता है, जीवा यानी टंग, टंग से क्या करते अपन टेस्ट करते हैं। जब तक उनका हृदय काम करता है तब तक वह जीवित रहता है, जब तक हृदय यानी हार्ट अपना काम करता है जब तक अपन जीवित, अपन लाइव रहते हैं, अपन जीवित रहते हैं। मनुष्य दिन में काम करता है, मनुष्य कब करता है दिन में काम करता है, भविष्य बनाने के लिए सदा तैयार रहता है, भविष्य यानी फ्यूचर बनाने के लिए सदा
रात में आप लोग भी ड्रीम देखते हो ना, रात में सपने देखिए। वह चाहते तो इस संसार को सुंदर बना सकता है, संसार को अगर चाहता था तो संसार यानी ये संसार को भी सुख बना सकता है, सुंदर बना सकता है, चाहे तो इसे मिटा सकता है। वो अच्छा काम करने से अपना संसार अच्छा होता है और बुरा काम करने से संसार में अपना बुरा होता है, उनको धर्म को भी बुरा करता है। जो अच्छा काम करता है उसका अच्छा होता है, जो बुरा काम करता है उसका कभी भी बुरा ही होता है। देखिए आप और एक बार मैं रीडिंग कर रही हूँ और एक बार देखिए। ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया है, इस दुनिया में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जानवर मनुष्य आदि है। इनमें मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, इसके दो हाथ दो पैर कान नाक आंखें पेट हृदय बाल मुंह जिह्वा आदि है। वह दुख में दुखी होता है और सुख में सुखी। ब्रह्मा जगत का प्रभाव उस पर पड़ता है, वह मस्तिष्क से सोचता है, हृदय से अनुभव करता है, पैरों से चलता है, हाथों से काम करता है, नाक से सूंघता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, जिह्वा से पदार्थों का रस ग्रहण करता है। जब तक उसका हृदय काम करता है तब तक वह जीवित रहता है। मनुष्य दिन में काम करता है, भविष्य बनाने के लिए सदा तैयार रहता है, रात में सोता है, वह सपने भी देखता है। वह चाहे तो इस संसार को सुंदर बना सकता है, चाहे तो इसे मिटा सकता है। देखिए नेक्स्ट पेज पर 39 पेज पर यहाँ शब्दार्थ है। शब्दार्थ यानी मीन्स, देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी क्रिएटर, ब्रह्मा क्रिएटर। कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े यानी इंसेक्ट्स जानवर एनिमल, जिह्वा टंग लीवर यानी टंग, बाहवा बाहर बाहर यानी बाहर यानी एक्सटर्नल एक्सटर्नल बाहर यानी बाहर को तारा कर दे, मस्तिष्क यानी माइंड, हृदय हार्ट हृदय हार्ट, अनुभव रियलाइज अनुभव रियलाइज, भविष्य फ्यूचर सपना ड्रीम सपना यानी ड्रीम। देखिए आप लोग भी टेस्ट बुक निकाल कर रीडिंग करना चाहिए और डेली वन कंडीशन रीडिंग करना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।